Hi friend, my JUNAID. Please like and subscribe my YouTube channel Spherical JUNAID. आइए मित्रों, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको साइंस का एक बहुत ही बेजोड़ एंड बेहतरीन नंबर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. उस सब्जेक्ट का नाम साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट का नाम है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये इस पिक के इस फिगर के द्वारा आपको बताते हैं. स्फेरिकल मिरर हालो ग्लास स्फीयर होता है, और हालो ग्लास स्फीयर ऐसा स्फीयर होता है जो कर्व सरफेस से बना होता है, और इसमें जो है रिफ्लेक्शन जो होता है या तो इनवर्ड होता है या तो आउटवर्ड होता है. तो कर्व सरफेस द्वारा अगर रिफ्लेक्शन आपका इनवर्ड या आउटवर्ड हो रहा है तो उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं. इसमें रिफ्लेक्शन आपका या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा. इस बेस पर इस स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में बांटा गया है. एक है आपका कॉनकेव मिरर, एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर. शॉर्ट में हम इसको CIM बोल सकते हैं. कॉनकेव मिरर को CIM बोल सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को COM बोल सकते हैं. कॉनकेव मिरर क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन आपका इनवर्ड होता है तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, जब आपका रिफ्लेक्शन आउटवर्ड होता है तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं. स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स होते हैं, आइए मित्रों इसको हम जानते हैं. ये आपके पास एक फिगर है जो कि आपका कॉनकेव मिरर का फिगर है. इसमें हम कुछ पॉइंट्स देख रहे होंगे, जैसे P है, M1 है, M2 है, C है, F है, स्मॉल f है, R है, A है. आइए इन सब पॉइंट्स के बारे में जानते हैं. ये पॉइंट्स क्या है. पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा एक्सिस होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर के पोल से गुजरता है, पास होता है. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम PA से शो कर सकते हैं. एंड पॉइंट सेकेंड है पोल. पोल जो होता है मिरर का मिड पॉइंट होता है. पोल जो होता है मिरर का मिड पॉइंट होता है, और जो आपकी लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है इसी पोल से होकर ही गुजरती है. इसको हम P से डिनोट करते हैं. थर्ड पॉइंट, अपर्चर. अपर्चर क्या होता है मित्रों, आइए जानते हैं. आपके पास जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, उसकी जो विथ होती है उसी विथ को ही हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं. इसको हम M1, M2 से शो